31 में पिछले 24 घंटे में एक दर्जा का करके हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। हाइस्ट बारिश बरापली 47.0 मिलीमीटर वर्गा डिस्ट्रिक्ट में है, चंदनपुर 44.0 मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, जलेश्वर 37.0 बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है, कोक्सारा 30.0 कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, कंतामल 26.4 बोधगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इस तरह से हल्का से मध्यम बारिश हुआ है और मैक्सिमम टेम्परेचर था टिटलागढ़ में 42.0, भवानीपटना 41.5, बोलांगीर 41.2, मलकानगिरी 41.0, सोनपुर 40.6, बोध 40.0। इसी तरह से मैक्सिमम टेम्परेचर 40 स्टेशन में था, भुवनेश्वर में 36.6, बट मोस्ट ऑफ द स्टेशन में टेम्परेचर अभी स्वाभाविक और स्वाभाविक से 1-2 डिग्री कम भी है एक दो जगह करके। और टिटलागढ़ का भी टेम्परेचर स्वाभाविक ही है क्योंकि 42.6 इसका स्वाभाविक टेम्परेचर होता है। अभी हमारा अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट है इसमें अगला 5 दिन ही हल्का से मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ होने का चांसेस है, बट आज हमारा साउथ इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ जगह में और बाकी जगह में एक दो जगह में बारिश होने का चांसेस है, जैसा कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, नोवापारा, कालाहांडी, रायगढ़, गजपति, गंजाम, कंधमाल, नयगढ़, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, खुर्दा, ये सब डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का साथ बारिश होने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बाकी जगह में एक दो जगह करके भी हो सकता है और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी इसी डिस्ट्रिक्ट में है। फिर कल से फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड ये तीन थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये 3 दिन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का साथ बारिश जाएगा, थोड़ा ज्यादा एरिया में स्कैटर्ड वे में रहने का चांसेस है। और 1 जून कल एक दो जगह में कालाहांडी, कंधमाल, रायगढ़, गजपति सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह में हैवी रेन भी हो सकता है। फिर फोर्थ में थोड़ा सा कम रहेगा, उस दिन एक दो हल्का बारिश एक दो जगह करके होने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में पार्टली क्लाउडी स्काई रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर अभी 37 के आसपास रहेगा। भुवनेश्वर से थंडर एक्टिविटी हो सकता है बट कल परसों थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश भी होने का चांसेस है। और अभी डिस्कम्फर्ट ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो डिस्कम्फर्ट वेदर रहने का चांसेस है।